बिहार एसटीईटी 2019 के रिजल्ट को लेकर हजारों की संख्या में मंगलवार को सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों पर पटना में लाठीचार्ज हुआ है। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज तब हुआ जब वो रिजल्ट में धांधली का आरोप लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास के बाहर हंगामा कर रहे थे। तुरंत नियुक्ति की मांग पर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का तेजस्वी यादव ने समर्थन किया है। एसटीईटी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर तेजस्वी यादव ने कड़ा एतराज जताया। राजद नेता ने कहा कि ये लाठी वाली सरकार है, छात्रों के साथ तानाशाह रवैया अपना रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सरकार युवाओं का जीवन बर्बाद करने पर तुली हुई है। नतीजों में धांधली को लेकर किए गए सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे बड़ी इस बात की क्या सबूत होगा कि रिजल्ट में मलयालम एक्ट्रेस तक को पास कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अधिकार मांग रहे युवाओं पर लाठी चलाकर नीतीश कुमार ने ठीक नहीं किया है। देखिए, पूरी तरीके से सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, धांधली हुई है। धांधली नहीं हुई होती तो मलयालम की एक्ट्रेस थोड़ी ना पास की होती। चलिए, नीतीश कुमार जी तो थके हुए मुख्यमंत्री, उनको बिहार की जनता नौजवानों से कुछ लेना थोड़ी ना, जबकि बिहार सबसे युवा प्रदेश है।